ये कहानी है सन 1995 की, जहां पर हमें चार दोस्तों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक रूदी और दूसरा पॉल है। ये सब के सब भूटान की एक वैली में हाइकिंग के लिए जा रहे होते हैं, जहां पर उन्हें बुद्धिस्ट लोग और उनके टेम्पल्स भी दिखते हैं। और अब ये पहाड़ के ऊपर जाते हैं, जहां पर पॉल को एक अजीब सी आवाज आती है, और जब वो आवाज की तरफ बढ़ता है तो चट्टानों के बीच एक गड्ढे में गिर जाता है। उसे गिरता देख पॉल के तीनों दोस्त गड्ढे की ओर भागते हैं, और उसे बचाने के लिए पॉल का एक दोस्त रस्सी के सहारे गड्ढे में नीचे उतरता है। उसे नीचे उतरते ही पता चलता है कि ये एक गुफा है। फिर वो दिखता है तो उसे पता चलता है कि पॉल यहाँ पर बैठकर किसी अजीब तरह के मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, और उसके सामने एक अजीब तरह का स्केलेटन पड़ा हुआ है। उस स्केलेटन का साइज आम स्केलेटन से काफी ज्यादा बड़ा है, और उस स्केलेटन के सामने काफी सारे छोटे स्केलेटन झुके हुए होते हैं। पॉल के दोस्त को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो पॉल के पास जाता है, और वो जैसे ही पॉल के पास गया, पॉल उसे अजीब तरह से बोला कि अगर तूने मुझे छुआ तो तुम मारे जाओगे। लेकिन वो पॉल को अपने कंधे पर उठाकर बाहर ले आता है। वहां पर आसपास एक लकड़ी का घर होता है, जहां पर ये लोग पॉल को ला देते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर रात हो चुकी है और बर्फ पड़ना भी शुरू हो चुकी है, और इसीलिए ये लोग अभी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ पर आग जलाने के लिए पॉल और रूदी के दोस्त लकड़ी लेने के लिए बाहर जाते हैं। पॉल अभी तक होश में नहीं आया होता है। रूदी देखती है कि पॉल के हाथ में अभी तक एक बैम्बू का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, वो उससे लेकर बजाती है। इसके बाद वो बाहर जाती है, जहां पर उसे एक अजीब तरह का साया दिखता है। रूदी अपनी जान बचाकर लकड़ी के घर में फिर से भागकर आ जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन वो अनजान साया दरवाजा खटखटाता है। रूदी बहुत डर जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सब कुछ शांत हो चुका है, दरवाजा खटखटाना भी बंद हो चुका है, और अब रूदी और पॉल के दोस्त वापस आए हैं। वो दोनों दोस्त रूदी को बताते हैं कि बाहर हमने कोई भी साया नहीं देखा, लेकिन रूदी बहुत गुस्सा होती है क्योंकि वो डरी हुई है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर इनको 2 दिन हो चुके हैं, और रात को ये सब सो जाते हैं, और सब सो रहे होते हैं तभी पॉल उठकर रूदी के कान में कुछ कहता है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि पॉल घर में नहीं होता, सब उसे इधर उधर ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसके पैरों के निशान बाहर की ओर जा रहे होते हैं। इन तीनों को नहीं पता कि पॉल किधर गया है, इसीलिए ये तीनों पॉल के कदमों का पीछा करते करते पॉल तक पहुंच जाते हैं। पॉल वहां पर चट्टान के किनारे बैठा हुआ होता है, उसके हाथ में वही बेम्बू का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे वो बजा रहा होता है। ये सब कुछ देखकर पॉल का एक दोस्त पॉल पर गुस्सा होकर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि ये सब तुम यहाँ पर नहीं कर सकते, हम सब तुम्हारे लिए डर गए थे। और अब यहाँ पर पॉल कुछ मंत्रों का उच्चारण करता है, जिसके बाद रूदी जिसके काम में रात में पॉल ने कुछ कहा था वो पॉजेस हो जाती है और अपने दोनों दोस्तों को मार देती है, और जिसके बाद वो पॉल के सामने देखती है, पॉल भी रूदी के सामने देखता है, और फिर रूदी उस चट्टान से कूद के अपनी जान दे देती है। हमें ऐसा लगता है कि पॉल ही ने इन तीनों को मारा है। अब यहाँ से कहानी 23 साल आगे यानी कि सन 2018 में आती है, जहाँ पर हमें जेम्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। जेम्स की पत्नी और बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, अब वो अकेला है और अब ये सिक्योरिटी स्टोर को चलाता है। दरअसल वो अपने परिवार को खोने के बाद पूरी तरह से परेशान हो चुका है। उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर वेटर को वो अपना एक बर्थडे का कूपन देता है जो कि बहुत पुराना होता है। हालांकि उसका बर्थडे आज नहीं है, लेकिन फिर भी रेस्टोरेंट वाले उसके इस कूपन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अब वो यहाँ पर फ्री में खाना खा सकता है। उसके बाद जेम्स जब घर आता है तो वहाँ पर उसके एक दोस्त की बेटी अमेंडा उसे मिलने आई होती है। दरअसल आज ही वो तारीख है जब अमेंडा के पिता और जेम्स के परिवार की मृत्यु हुई होती है। जेम्स अमेंडा की मॉम नोरा को भी अच्छी तरह जानता है,
और अब वो अपने पिता के मरने के बाद जेम्स को ही अपने पिता समान मानती है। वो कहती है कि मैं मेरे पिता के मरने के बाद पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि ये दुनिया सबसे बड़ा एक भ्रम है। सच्चाई सिर्फ हमारी एक सोच से पैदा होती है। जिस चीज को हम सोचते हैं उसी चीज को हम पाते हैं। उसके बाद अमांडा वहां से चली जाती है। अगली सुबह अमांडा की मॉम जब अमांडा को उठाने के लिए उसके कमरे में जाती है तो वो देखती है कि अमांडा वहां पर नहीं है। वो जब बाथरूम में जाती है तो बाथरूम के शीशे पे लिखा होता है द एम्प्टी मैन मेड मी डू इट, यानी कि एम्प्टी मैन ने मुझसे ये करवाया है। अमांडा की मॉम को ये मैसेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और इसीलिए वो परेशान होकर यहाँ पर पुलिस को बुला देती है। जेम्स भी वहाँ पर आ जाता है। जेम्स वहाँ देखता है तो वहाँ पर एक फोंटिफेक्स इंस्टीट्यूट नाम का एक कार्ड रखा होता है जिसके पीछे टुल्पा लिखा है। इसके बाद जेम्स अमांडा की एक दोस्त से मिलने स्कूल में जाता है, जहाँ पर उसकी दोस्त जेम्स के साथ कार में बैठती है। तभी उसको एक साया दिखता है जिससे वो डर जाती है, जिसके बाद वो जेम्स को बताती है कि 2 दिन पहले हम अमांडा के साथ एक ब्रिज पर घूमने गए थे, जहाँ पर अमांडा ने हमें बताया था एम्प्टी मैन के बारे में, जो यहाँ का लोकल लेजेंड है। साथ ही साथ उसने ये भी बताया था कि शाम के वक्त इस ब्रिज पर आकर जो कोई भी खाली बोतल में फूंक मारकर कोई एम्प्टी मैन के बारे में सोचे तो वो उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाता है। पहले दिन सिर्फ तुम्हें उसकी आवाज़ सुनाई देगी, दूसरे दिन तुम्हें वो दिखेगा और तीसरे दिन वो तुम्हें खुद आके ढूंढ लेगा। अमांडा के कहने पर हम सभी ने खाली बोतल में फूंक मारकर उस एम्प्टी मैन के बारे में सोचा था। उसके बाद हम सभी को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। साथ ही वो ये भी बताती है कि उसके एक दिन बाद अमांडा को उसके एक दोस्त के कान में कुछ कहते हुए देखा था और अब वो अपने सभी दोस्तों के एड्रेस को लिखकर जेम्स को देकर वहाँ से चली जाती है। जेम्स उसके बाद उसे दिए गए सभी एड्रेसों पर जाता है लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। लेकिन एक दोस्त के घर से उसे वही इंस्टीट्यूट का कार्ड मिलता है जो उसने अमांडा के घर पे देखा था। और अब जेम्स उसी ब्रिज पर आ जाता है जहाँ पर बोतल में ब्लो करके उन लोगों ने एम्प्टी मैन के बारे में सोचा था। उस ब्रिज पर जेम्स को खाली बोतल मिलती है जिसमें वो ब्लो करके एम्प्टी मैन के बारे में सोचता है और फिर वहाँ से जाने वाला ही होता है। तभी उस ब्रिज के नीचे से उसे मेटल की आवाज़ सुनाई देती है। वो नीचे देखता है तो नीचे सारे के सारे बच्चे जो गायब थे, जिन्होंने बोतल में ब्लो किया था, वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं। यहाँ पर भी वो मैसेज लिखा होता है जो अमांडा के बाथरूम के मिरर पे लिखा था, यानी कि एम्प्टी मैन मेड मी डू इट। जेम्स यहाँ पर पुलिस को बुला देता है और अब जेम्स को जिसने एड्रेस दिए थे वो लड़की भी मर जाती है। दरअसल अब तक जितनी भी मौतें हुई है उन सब को देखकर ऐसा लगता है कि उन सब ने सुसाइड किया है, उन सब ने आत्महत्या की है, लेकिन जेम्स को ऐसा नहीं लगता। और इसीलिए इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जेम्स इंटरनेट पर पोंटिफेक्स सोसाइटी और ट्यूल्पा पर जानना शुरू कर देता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये एक कल्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मानना यह है कि डीप मेडिटेशन से या फिर ध्यान से किसी भी चीज़ को रियलिटी में लाया जा सकता है। जेम्स ये सब कुछ जानने के बाद उसे इंस्टीट्यूट में जाता है, जहाँ पर उसे रिसेप्शन पर एक फॉर्म फिल करने के लिए देता है। जेम्स को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो ये फॉर्म फिल किए बिना ही अंदर चला जाता है। और जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि यहाँ का एक आदमी जो कि यहाँ का हेड होता है वो स्पीच दे रहा होता है। उसकी बातें हूबहू ऐसी थी जैसी जेम्स ने अमांडा को कही थी और वो कहता कि ये मैसेज एम्प्टी मैन की तरफ से है। दरअसल ये भी एम्प्टी मैन का एक फॉलोवर है। स्पीच खत्म होने के बाद जेम्स उस आदमी से मिलता है और एम्प्टी मैन के बारे में उससे पूछता है। वो आदमी बताता है कि एम्प्टी मैन एक पावर है। दरअसल जेम्स अब भी अमांडा को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसके बारे में अभी तक उसे कुछ भी पता नहीं चला होता है। यहाँ पर वो एक लड़के से अमांडा के बारे में पूछता है लेकिन वो लड़का मना कर देता है, कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता।
जेम्स यहाँ पर अमांडा को इधर उधर खोज रहा होता है। वो एक जगह जाता है जहाँ पर कुछ लोग एक ब्लैक पेपर को देख रहे होते हैं। जेम्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या कर रहे हैं। उसके बाद वो बेसमेंट में जाता है जहाँ पर कुछ लोग चेयर्स पर बैठकर एम्प्टी मैन को बुला रहे होते हैं। जेम्स को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद बाहर उसको वही लड़का मिलता है जिसे उसने अमांडा के बारे में पूछा था। वो लड़का उसे बताता है कि अमांडा को यहाँ से दूर किसी फोंटिफिक्स के कैंपस में भेजा गया है जहाँ पर उसकी ट्रेनिंग चल रही है। और फिर वो बताता है कि तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि ये लोग काफ़ी खतरनाक है। लेकिन जेम्स किसी भी कीमत कर अपनी दोस्त की बेटी अमांडा को ढूंढना चाहता है, इसीलिए वो उस फोंटिफिक्स के कैंपस में आ जाता है जो कि एक जंगल में है। जेम्स यहाँ पहुँचता है तो देखता है कि यहाँ पर एक केबिन है। केबिन के अंदर जाते ही उसे एक ड्रॉअर मिलता है जिसे खोलने पर अंदर बहुत सारी फाइलें मिलती है। इन फाइल में अमांडा की फाइल के साथ साथ जेम्स की भी फाइल होती है जो कि पूरी तरह से ब्लैंक होती है। अब यहाँ से जेम्स दूसरे रूम में जाता है जहाँ पर बहुत सारे कैसेट्स होते हैं। वो कैसेट को प्ले करता है तो उसमें देखता है कि बहुत सारे लोग एक आदमी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। यहाँ पर अजीब अजीब काम किए जाते हैं। और अब जब रात हो जाती है तो जेम्स को कुछ आवाज़ आने लगती है। वो बाहर निकल के देखता है तो पानी के उस ओर बहुत सारे लोग एक आग के चारों तरफ मिलकर एक कल्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमें देखते हैं कि ये आग धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही होती है। जेम्स इसे देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है। जेम्स परेशान होकर ये सब देख रहा होता है, तभी वो सारे लोग जेम्स को देख लेते हैं और उसके पास आने के लिए वहाँ से भागते हैं। जेम्स डरकर अपनी गाड़ी की ओर भागता है और गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को जो भी उसने देखा वो सारे के सारे उसे बता देता है, लेकिन पुलिस भी उसकी बातों का यकीन नहीं करती। अब वो सीधा अमांडा की मॉम के पास आता है और उसे बताता है कि अमांडा ने एक ऐसी सोसाइटी को ज्वाइन किया है जिसे उसको जान का खतरा है, और वो सारी बातें बताता है जो इसने देखी है। और वो कहता है कि इनसे तुम्हें भी खतरा है और इसीलिए मैं तुझे सेफ जगह पर ले जाने के लिए आया हूँ। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को पहले से बहुत प्यार करते थे, लेकिन इन दोनों की शादी अलग अलग जगह पर हो गई। और अब जेम्स अमांडा की मॉम को एक होटल में ले जाता है और कहता है कि तुम्हें अभी यही रहना चाहिए। और अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि जेम्स उसी इंस्टीट्यूट के सामने खड़ा होता है जहाँ पर वो अगले दिन गया था। वो देखता है कि वो लड़का वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ जा रहा है जो उसे कल मिला था और जिसने उसको फॉरेस्ट के बारे में बताया था। जेम्स उन सब का पीछा करता है और देखता है कि ये सब हॉस्पिटल की ओर जा रहे हैं, तो वो भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। जेम्स देखता है कि वो सब के सब एक हॉस्पिटल के बेड पर पड़े कोमा में गए हुए आदमी के सामने झुक रहे होते हैं। जेम्स बहुत कंफ्यूज हो जाता है और इसीलिए बाहर निकलने के बाद जेम्स उस लड़के को पकड़ लेता है जिसने उसको फॉरेस्ट में भेजा था और उसे ज़बरदस्ती बातें निकलवाता है कि ये सब क्या हो रहा है। और इतना सब कुछ करने के बाद वो लड़का बताता है कि मुझे मेरे ग्रुप के लोगों ने ये सब करने के लिए कहा था। अब जेम्स उस आदमी के बारे में पूछता है जो हॉस्पिटल में बेड पर कोमा में पड़ा हुआ है। वो लड़का बताता है कि एम्प्टी मैन उस आदमी के जरिए हमसे बात करता है। जेम्स को इसकी बातों से कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, तो शाम होते ही वो फिर से उस इंस्टीट्यूट के अंदर गाड़ी लेकर चला जाता है। वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर बहुत सारी फाइलें रखी होती है। यहाँ पर एक फाइल नंबर 14 होती है जिस पर लिखा होता है मैनिफेस्टेशन। और जब वो फाइल खोलता है तो पूरी तरह से हैरान हो चुका है क्योंकि ये जेम्स की ही फाइल है जिसमें उसके परिवार के बारे में सब कुछ लिखा होता है, साथ में उस फूड कूपन के बारे में भी जो उसने पहले इस्तेमाल की थी। जेम्स ये सब देखकर बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। जेम्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और इसीलिए वो फिर से वापस उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर वो आदमी कोमा में पड़ा हुआ है। वो जाकर वहाँ देखता है तो अमांडा भी उसके बाजू में बैठी हुई है। वो अमांडा से पूछता है कि ये कौन है,
अमांडा बताती है कि आज से 23 साल पहले एमटी मैन ने किसी को पोजेस्ट किया था और वो आदमी यही है। दरअसल ये वही है जिसे हमने शुरुआत में पॉल के नाम से देखा था। आगे अमांडा बताती है कि एमटी मैन इसी के जरिए हमसे बात किया करता है और अब जेम्स अमांडा की मॉम को फ़ोन करता है, लेकिन वो इसे पहचानने से साफ मना कर देती है। जेम्स और भी कंफ्यूज्ड हो जाता है। आगे हमें अमांडा बताती है कि पॉल की बॉडी बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है और हमें एमटी मैन के लिए नई बॉडी की ज़रूरत है और हमने तुम्हें चुना है और तुम्हारी आज तक की जितनी भी यादें हैं वो सारे की सारी हमने बनाई है और तुम अभी 3 दिन पहले ही बनाए गए हो। और इसीलिए अमांडा की मॉम इसे नहीं पहचान पा रही होती है क्योंकि ये इससे कभी मिले ही नहीं होती है, ये सब इसकी यादों में होता है। आगे अमांडा बताती है कि मुझे पता है कि मेरी मॉम का और तुम्हारा अफेयर चल रहा है क्योंकि मैंने ही ये सब यादें तुम्हारे अंदर डाले थी, असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सब करना ज़रूरी था क्योंकि नई बॉडी में पछतावा और भावना होनी बहुत ही ज़रूरी थी। और अब जेम्स तड़पने लगता है, उसकी आत्मा उसी जगह चली जाती है जिस गुफा में पॉल गिरा था और जहाँ पर स्केलेटन बैठा था। इसके बाद जेम्स के अंदर एम्प्टी मैन की आत्मा घुस जाती है और जेम्स की पूरी बॉडी एम्प्टी मैन की बन जाती है। यहाँ से हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहाँ पर अमांडा के पिता की मृत्यु हुई थी और उस फेयरवेल पर जेम्स अमांडा की मॉम के साथ क्लोज हुआ था और उसी समय जेम्स के पूरे परिवार की मौत हो गई थी। और अब जेम्स को भी पता चल जाता है कि वो असलियत में है ही नहीं, वो तो सिर्फ एम्प्टी मैन के लिए बनाया एक पुतला था। वो एक ट्यूल्पा है जिसका जन्म आज से 3 दिन पहले हुआ था। वो इस बात पर इसीलिए भी यकीन करता है क्योंकि अमांडा की मॉम ने उसे पहचानने से साफ इनकार कर दिया था और इसीलिए उसे लगता है कि उसकी सारी यादें बनाई गई है। और इसके बाद जेम्स उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर पॉल कोमा में पड़ा हुआ है। जेम्स पॉल को गोलियों से छन्नी कर देता है जिसके बाद हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ जेम्स के आगे झुक जाता है और इसी के साथ हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। दोस्तों, इस कहानी में जेम्स को ट्यूल्पा बनाया गया है। दरअसल तिब्बत में ये एक तरह की मेडिटेशन होती है जहाँ पर कोई भी साधक किसी भी एंटिटी को सोच के उसे रियल में ला सकता है, उसे बना सकता है। ठीक इसी तरह एम्प्टी मैन को जो भी लोग जानते थे वो पूरे मन से जेम्स को बनाते हैं और इसीलिए जेम्स 3 दिन पहले इस दुनिया में लाया जाता है जिसे एम्प्टी मैन को एक नई बॉडी मिले। तो ये थी पूरी कहानी एम्प्टी मैन की।